तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जाहिद जी, जी जमशेदपुर से खबर आ रही है कि माय कंट्री इज माय फैमिली की जो एक कार्यकर्ता है वो एक गरीब व्यक्ति से आज मिले। जी देखिए शैलेंद्र जी, आपको बता दें जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जो है इलाजरत है, वो वहां पर इलाज करवा रहा है, अपना बीमार है, तो वो अगले कुछ दिन पहले आपको हम बता दें वो मानगो मुंशी मोहल्ला मस्जिद के पास में वो जाकर के वहां पर लोगों से पैसा मांग रहा था। तो उस वक्त जो माय कंट्री इज माय फैमिली के अध्यक्ष हैं मोहम्मद शमीम जी, उनकी नजर इस लड़के पे पड़ी है, तो उन्होंने पूछा आखिर आप भीख मांग रहे हैं, क्या समस्या आपका है। तो उसका कहना है हमको ब्लड चलाना है, हमारे पास पैसा नहीं है और हमको कोई डोनेट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम ब्लड खरीद सके। तो उनको काफी खराब लगा, तो वो पूछे कहाँ है तुम भर्ती, तो बताया एमजीएम में भर्ती है। तो वो एमजीएम में जब आए, जिस बेड में था वो अपना बेड भी बताया, तो समीम जी बेड के पास पहुंचे थे और वहां पर ही भी उनको उन्होंने देखा, तो पूछताछ किया, तो सभी लोगों को उन्होंने जानकारी भी दिया है, कहा हमने जो है स्वास्थ्य मंत्री के भाई हैं गुड्डू गुप्ता जी, उनको भी जानकारी दिया है, वहीं एमजीएम में जो स्वास्थ्य मंत्री के जो लोग हैं राजेश बहादुर जी, उनको भी जानकारी दिया है ताकि इसको गरीब को ब्लड जल्द से जल्द उपलब्ध करा। जी जी धन्यवाद जाहिद जी, बाकी खबरों के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज़ से। मानगो मुंशी मोहल्ला मस्जिद मगरी की नमाज पढ़ रहा था, वहाँ पर एक बंदा अपने खून के लिए चंदा मांग रहा था, मुझे लगा फॉल्स होगा तो मैं नमाज पढ़ के रुक गया। बाद में इसका डिटेल देखा तो इसको ब्लड की जरूरत थी, तो मैंने इसको डोनर नहीं मिला और एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती है ऑलरेडी, तो एक ब्लड खून के लिए बोला, हम अपने ही खून के लिए चंदा करने निकले हैं, तो मैं उसको वहाँ सबसे पहले वहाँ से ला के इसके मैं सोचा फेक है सही है इसको एमजीएम लाया, तो वाकई में बेड इसका था, उसको बेड में रखा और उसके बाद उसको आश्वासन दिया कि इसके लिए हम जो अच्छी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा एडमिट था ये 25 तारीख से एडमिट है। अच्छा। और ये जब अफसोस व्यक्ति की प्रबंधक का ये हाल है एमजीएम का कि एक बोतल ब्लड नहीं दे सकता, मरीज को चल करके मस्जिद और मंदिर में जाकर भीख मांगना पड़ेगा अपने लिए। तो हम यही चाहते हैं कि प्रबंधक से भी यही निवेदन करते हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि इस तरह से अप्रिय घटना में किसी की जान चल जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।